हमारी बेटी भी आ रही है। आ रही आ रही। कहाँ से नोट लेगा भैया? तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक फ्रेश नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है ना, वो हमारी बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट प्लेस पे होने वाला है, जो कि है ऋषिकेश। और हमारे घर से ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है, बट हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तो आज हम ऋषिकेश में कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं, ये हमें अभी पता नहीं था, बट आगे वीडियो में आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो पे बेस्ट कमेंट की, जो कि था रवीश मालविया जी का। सो थैंक यू सो मच ब्रो, आपने इतना अच्छा कमेंट करा एंड मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो इस वीडियो का जो बेस्ट कमेंट होगा उसको हम रीपोस्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो फटाफट जाओ और जो आपको अच्छा लगे वही कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो आपने देख लिया है कि आज जो देहरादून का वेदर हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सनी हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी में वापस भी आना पड़ा, वो आप आगे वीडियो में देखोगे। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और इसी वजह से हमें वापस जल्दी भी आना पड़ा। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि ऋषिकेश एक टूरिस्ट प्लेस है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रैफिक भी होगा, तो इस वजह से हम प्रिपेयर होके जा रहे थे और हम सुबह जल्दी निकल गए थे। और अभी जो आप धूप देख रहे हो ये सुबह 8 बजे की धूप है। सो अभी आप देखना कि हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा रिस्की इंसिडेंट होने वाला है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सो अब गाइज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जो कि बहुत रिस्की था और शायद हमारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने वाला था। यहाँ पे गाइज राइट साइड से वाइल्ड पिक का एक पूरा ग्रुप आता है, जिसमें से एक सबसे आगे मेरी बाइक के पास तक आ गया था, और अगर मैं बाइक को लेफ़्ट ना करता तो इतना बुरा एक्सीडेंट होने वाला था कि हम सोच भी नहीं सकते। और मैं एकदम से शॉक हो गया, अगर मैं थोड़ा सा भाई अटेंटिव ना होता तो शायद बहुत बुरा हो सकता था। सो हे गाइस, सो इस टाइम मैं हूँ नीर वाटरफॉल के पास एंड हमने एंट्री टिकट ले ली है और अभी जाएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे। सो आज हम ऋषिकेश एक्सप्लोर करने वाले हैं शाम तक, और अभी सुबह के 8-9 बज रहे हैं। सो अभी देखते हैं नीर वाटरफॉल कैसा है, मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरी हरियाली है एंड नीचे पानी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है और मेरे साथ आया लक्ष्य, और देख सकते हो हमने टिकट ले ली है और इसकी टिकट है 30 रुपीज़ की एक जने की है। सो अगर आप आओ, कार से भी आ सकते हो, बाइक से भी आ सकते हो, और इसकी लोकेशन आपको मैप में मिल जाएगी। तो अभी फटाफट चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास, और ये देख सकते हो ये वाटरफॉल का पानी ही है, और यहाँ से ट्रैक है इसका, और अभी हम जाएंगे। तो अभी हम रुके हैं, कुछ खा लेते हैं। पहले हमने बनवाई है यहाँ पर मैगी और पराठा, सो कुछ खा लेते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें, क्योंकि घर से ज़्यादा कुछ खा के नहीं आए थे, और फिर सही भी रहेगा ना, थोड़ा पेट भी भरा रहेगा, तो जल्दबाजी नहीं रहेगी, आराम से चलेंगे। और यहाँ पे ना मतलब तीन वाटरफॉल है, एक यहाँ पे है, एक ऊपर है और एक उससे ऊपर है, ऐसे है, मतलब तीन कह सकते हैं, यहाँ के लोग तीन कहते हैं। हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है और ये ऊपर तक का ट्रैक है 500 मीटर तक का। सो फटाफट चलते हैं अभी।
ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब सो गाइस यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भीड़ है, और इतनी भीड़ है ना यहाँ पे कि ब्लॉग शूट करने को भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब कोविड तो मुझे लग रहा है अब नहीं आ पाएगा दोबारा, और किसी ने भी यहाँ पे कोई प्रिकॉशन नहीं ले रखे। मैंने मास्क इसलिए उतारा हुआ अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, बट यहाँ कोई मास्क लगा के नहीं आया, ना कोई चेकिंग हो रही है। वॉटरफॉल, और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, यहाँ पे ना गंदगी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, लिमिट ही नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना तो मेरे सामने भी बॉटल्स पड़ी और बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। और अगर ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे चार्ज लिया जा रहा है ना, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करना, बहुत सुंदर वाटरफॉल है और हमने तीनों देख लिए, ये तीन उसमें डिवाइडेड है, बाकी बहुत सुंदर था एक्सपीरियंस। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी हम ऋषिकेश का कोई और पार्ट एक्सप्लोर करने जाएंगे। सो एपिसोड सेकंड के लिए वेट करना, 2-3 दिन में आ जाएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो सबसे पहले वहीं फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। तो बाय बाय।